यश, तुझे पता है शेयर प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है? हाँ मुझे पता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जो मैं तुमको हमारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शेयर का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। वैसे आप मिनट मिनट जब भी तूने देखा होगा तो तुझे पता होगा कि शेयर का प्राइस चेंज होते रहता है। समझ लेते हैं, कोई शेयर का प्राइस अभी 59 है, फिर थोड़ी देर में 61 जाता है, फिर थोड़ी देर में 63 जाता है, एंड देन समटाइम्स यू नो इट जस्ट ड्रॉप्स टू 57 अगेन बैक। एग्जैक्टली करेक्ट। सो ऐसा क्यों होता है? आई मीन क्यों 59 से 60 नहीं गया, 60.5 नहीं गया, या 59 से 61 क्यों गया? बीच में कोई भी और प्राइस तो जा सकता था। राइट करेक्ट। एंड मैं तुझे एक और चीज बताना चाहता हूँ। सपोज तुझे एक आरकॉम करके कंपनी है, तुझे इसके शेयर खरीदने, एंड अभी जब तूने तेरा सेंसेक्स देखा या तूने तेरा मार्केट देखा तो तुझे पता चला कि इस कंपनी का जो प्राइस दिख रहा है ऑनलाइन, मान लेते हैं वो तेरे को दिख रहा है 62 रुपीज पर शेयर। करेक्ट। अब तुझे मन हुआ कि तुझे ये शेयर खरीदना है, एंड इफ यू आस्क टू बाय द शेयर राइट नाउ, दैट यू वॉन्ट टू बाय द शेयर राइट नाउ, डू यू थिंक कि तुझे 62 रुपीज पे ये शेयर मिलेगा? I don't know. I can get it 62 also. Obviously, लोगों को क्या लगता है कि अगर यहाँ पर जो शेयर का प्राइस 62 है, तो जब मैं खरीदूंगा तो मुझे 62 रुपीज से ही मिलेगा। बट आई टेल यू दिस इज नॉट ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि तुझे 62 से ही मिले। क्यों ऐसा? बिकॉज तुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस क्या है। दिस प्राइस इज द लास्ट ट्रेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस, ओके, LTP। या लास्ट ट्रेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट सौदा हुआ, मतलब जो तुम्हारे पहले बायर और सेलर का जो सौदा हुआ था, वो कितने पे हुआ? 62 रुपीज पे हुआ। बट दैट डजंट गारंटी कि तू बायर है। दिस इज योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन। प्रीवियस ट्रांजेक्शन 62 पे हुआ, बट दिस डजंट गारंटी कि जब तू बाई करना चाहती है तो सेलर तुझे 62 पर ही बेचे। इमेजिन कर अगर ऐसा ही चलते रहा तो शेयर की प्राइस में तो कभी चेंज ही नहीं आएगा। सब 62 की प्राइस पे ही ऑर्डर करते रहेंगे। करेक्ट। सो दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। द मैजिक हैपेंस इज कि हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी हमें कोई कंपनी का शेयर का प्राइस दिख रहा होता है, दिस प्राइस इज कॉल्ड द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। दिस इज नॉट द प्राइस जिसपे तुमको शेयर मिलेगा। दिस इज द प्राइस जिसपे लास्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन द लास्ट बायर एंड द लास्ट सेलर हुआ था। अब किस तरीके से शेयर का प्राइस डिटरमाइन होगा? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बट अ वेरी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। बहुत मजा आएगा ये सुनने में। तो मैं तेरे को बताता हूं, पहले दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं पता है? मार्केट। ये मेरी टर्मिनोलॉजी है बट अलग टर्मिनोलॉजी है इन द रियल वर्ल्ड, बट मैं स्टिल आपको एक थोड़ा फेयर टर्मिनोलॉजी करना चाहता हूँ। एक जो लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, और एक जो लोग होते हैं इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। राइट। सो एक कौन हो गए हमारे लिए मार्केट ऑर्डर, और एक कौन हो गए हमारे लिए लिमिट ऑर्डर। अब ये मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं बताता हूँ। इंटेंशन का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? इंटेंशन। इंटेंशन तो क्या है? इंटेंशन मार्केट वालों की, और क्या है इंटेंशन लिमिट वालों की। ये अगर मार्केट वाला आदमी है और ये अगर लिमिट वाला आदमी है, हम ऐसा लेते हैं बराबर। अगर मार्केट वाला आदमी है ना, तो उसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है दैट ही ओनली नोज द क्वांटिटी। करेक्ट। मार्केट वाले आदमी को सिर्फ क्वांटिटी पता होता है, मतलब ही विल ओनली नो कि मुझे आज 50 शेयर्स बाई करना है कि आज मुझे 50 शेयर्स सेल करना है। ही विल ओनली नो दिस, दैट इन्हें सिर्फ अपनी क्वांटिटी से मतलब है। ठीक है। करेक्ट। एंड ये जो लिमिट ऑर्डर वाले लोग होते हैं ना, ये थोड़े रिजिड होते हैं। इनको क्वांटिटी भी पता होती है एंड इनको प्राइस भी पता होती है। अच्छा। तो जो लिमिट ऑर्डर वाले होते हैं ये बहुत रिजिड होते हैं। ये क्या बोलते हैं कि मैं 50 शेयर्स सेल करना चाहता हूं, और मैं सेल तभी करना चाहता हूं जब शेयर का प्राइस 63 रुपीज होगा। करेक्ट। या फिर लिमिट ऑर्डर वाले ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मुझे 25 शेयर्स बाई करना है, और बाई मुझे तभी करना है जब शेयर का प्राइस 62 होगा। करेक्ट। एंड जो हमारा जो मार्केट का वर्ल्ड है, हमारा जो सेंसेक्स का जो वर्ल्ड है, या हमारा जो शेयर मार्केट का वर्ल्ड है, इसमें टोटल 4 टाइप के लोग हो गए। देखो, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 कौन है? मार्केट। टाइप 2 कौन है? लिमिट। मार्केट में भी दो टाइप के लोग हो गए, पीपल हु वांट टू बाय एंड पीपल हु वांट टू सेल। एग्जैक्टली। तो लिमिट में भी हमारे लिए दो हो गए, पीपल हु वांट टू बाय, पीपल हु वांट टू सेल। अब मैं पहले थोड़ा शॉर्ट में प्रोसेस तेरे को बताता हूँ। इमेजिन कर ये आदमी लिमिट बाई वाला है और ये आदमी लिमिट सेल वाला है। और अल्टीमेटली देखो सौदा कब होगा? जब हर बायर को उसका सेलर मिलेगा तभी सौदा होगा। करेक्ट। सो ये लिमिट वाले हैं। लिमिट वालों को क्या है कंडीशन? कि इनको अपनी क्वांटिटी भी पता है। सो लेट्स अज्यूम इसको 50 शेयर्स सेल करने हैं, क्योंकि ये सेलर है।
एंड लेट्स अज्यूम इसको 50 शेयर्स बाय करने हैं क्योंकि ये बायर है, करेक्ट? ये लिमिट वाला है तो इन्होंने प्राइस भी डिसाइड करा होगा. एंड इमेजिन करते हैं कि इसको 62 रुपीस पे चाहिए एंड इसको 64 रुपीस पे सेल करना है. अच्छा. तो ये लोग अग्रीमेंट पे आए कि अग्रीमेंट पे नहीं आए? दे कांट कम ऑन अग्रीमेंट. क्यों? क्योंकि एक ने क्या बोला है, मुझे 62 से बाय करना है, और दूसरे ने क्या बोला है कि उसे 64 पे सेल करना है. तो ये लोग तो कभी अग्रीमेंट और लिमिट में तो आते ही नहीं है. और ना ही हमारा जो सेंसेक्स मार्केट होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई फॉर्म देता है कि ये दोनों एक दूसरे से बात करके प्राइस नेगोशिएट करके आ जाएं या मिडवे कोई निकाले. यही काम आते हैं हमारे मार्केट वाले, यही काम आते हैं हमारे मार्केट वाले. किस तरीके से, तो मैं बताता हूं. देखो, ये कंडीशन हमें पता चल गई, एक लिमिट में बाय करना चाहता है और एक लिमिट में सेल करना चाहता है, करेक्ट? अब एक आदमी है जो मार्केट में बाय करना चाहता है और एक आदमी है जो मार्केट में सेल करना चाहता है. जो आदमी मार्केट में सेल करना चाहता है उसने तो खाली यही बोला है ना कि मेरे पास 50 शेयर्स हैं और मुझे बेचने हैं. क्योंकि ये तो प्राइस नहीं बोलते, क्वांटिटी. एग्जैक्टली, ये तो सिर्फ क्वांटिटी बोलते हैं. सिमिलरली मार्केट बाय वाला तो सिर्फ क्या बोलता है? क्वांटिटी. तो ये बोलेगा मुझे 50 शेयर्स बाय करने हैं. बराबर है. अब होगा क्रॉस कनेक्शन. क्यों? क्योंकि मार्केट वाले ने क्या बोला, मुझे 50 शेयर्स सेल करने हैं. देखो, ये दोनों अग्रीमेंट पे नहीं आए तो बाय सेल नहीं हो पाया. बराबर है. अग्रीमेंट पे कौन आएंगे? अग्रीमेंट पे ये आएगा, लिमिट बाय विद मार्केट सेल. ओके. और ये दोनों जैसे ही अग्रीमेंट पे आए, क्यों? क्योंकि इस आदमी ने क्या बोला, मुझे 50 शेयर सेल करने हैं. इस आदमी ने क्या बोला, हाँ मुझे 50 शेयर्स बाय करने हैं. इस आदमी ने कोई प्राइस का रेंज दिया? नहीं दिया. इस आदमी ने प्राइस का रेंज दिया? दिया. शेयर का प्राइस क्या हो गया? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ, ट्रेड हो गया. फिर अब देखते हैं इन दोनों के बीच में सौदा होगा कि नहीं होगा. हो जाएगा. हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने क्या बोला, मुझे 50 शेयर्स बाय करने हैं. इसने क्या बोला, मुझे 50 शेयर्स सेल करने हैं. इसने प्राइस बोला 64, पर इसने खरीदने के टाइम पर प्राइस नहीं बोला कि मुझे इतने पे चाहिए. तो इन दोनों के अंदर क्या हो गया, 64 इज द न्यू एलटीपी. एग्जैक्टली. अब मार्केट में शेयर का प्राइस हो गया 64. अब आपको समझ में आया कि मार्केट का प्राइस 62, फिर 64, और इसी तरीके से होता है. और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कई बार जरूरी नहीं है कि हर एक बायर को एक ही सेलर मिले. जैसे हमने वहां पर क्या लिया था कि एक को 50 सेल करना है तो एक को 50 बाय करना है. अब जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, मार्केट में 1-to-1 कोरिलेशन की भी कोई जरूरत नहीं है. 1-to-many एंड 1-to-1 भी हो सकता है. जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि एक बड़ा सा हमारे पास है ना लिमिट सेलर पड़ा है. एक बड़ा सा हमारे पास क्या पड़ा है, लिमिट सेलर पड़ा है. ये लिमिट सेलर के पास कितने शेयर हैं? तो 500 शेयर्स थे. और इसने क्या बोला, मैं बेचूंगा पर सबके सब शेयर में कितने पे बेचने को रेडी हूं, 65 पे. ये लिमिट वाला है तो ये तो हमारे को क्वांटिटी के साथ प्राइस भी बोलेगा. अब हम मानते हैं यहां पर हमारा है मार्केट 1%, मार्केट 2%. इसने बोल दिया मुझे 300 शेयर खरीदने हैं और इसने बोल दिया मुझे 200 शेयर खरीदने हैं. तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से मेनी टू वन रिलेशन हो गया कि हमारे पास सेलर तो एक ही है पर दो बायर है. इस केस में दो ट्रांजैक्शन होंगे, बायर वन विद सेलर वन एंड बायर टू विद सेलर वन, एंड मार्केट का प्राइस चेंज नहीं होगा. Because it is 65 एंड यस, नेक्स्ट सौदा भी किसका हो जाएगा, 65 का हो जाएगा. अब इससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग केस लेते हैं. और इस केस में हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक है ना मार्केट बायर है बड़ा सा, एंड इसने क्या बोल दिया, मुझे 500 शेयर खरीदने हैं, करेक्ट? इसके सामने हमारे पास, देखो ये तो मार्केट वाला आदमी है, ये तो प्राइस नहीं बोलने वाला, ये तो क्वांटिटी बोलेगा. इसके सामने हमारे पास लिमिट सेलर वन, लिमिट सेलर टू हो गया, करेक्ट? लिमिट सेलर वन ने क्या बोला, मेरे पास 300 शेयर है बेचने को. इसने बोल दिया 200. इसने बोलूंगा देखो मैं बेचूंगा तो बेचूंगा पर कितने पे बेचूंगा, 64 पे बेचूंगा. इसने बोला मैं बेचूंगा तो बेचूंगा, कितने पे बेचूंगा, 66 पे बेचूंगा, करेक्ट? अब मान लेते हैं देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं. शेयर मार्केट में जिस आदमी के पास बेटर कंप्यूटर, जिस आदमी के पास स्पीडी इंटरनेट होगा ना, वो आदमी जीतेगा. क्यों? मैं आपको बताता हूं. ये जैसे समझ लेते हैं, ये जो मार्केट बायर है ये एक ऑलरेडी पड़ा है, आपने देखा और इसने भी देखा लास्ट मार्केट में ट्रेडेड प्राइस कितना था, 63 मान लेते हैं. अच्छा. कि लास्ट बायर और सेलर मिले 63 पे. अब इसको भी इंटरेस्ट आया 500 शेयर खरीदने में, और आप तो छोटे आदमी थे, आपको भी इंटरेस्ट आया, चल यार मैं भी 100 शेयर तो खरीद ही लेता हूं, करेक्ट? और यहां पर हमारे लिमिट सेलर था, एक आदमी था जो 300 शेयर दे रहा है,
एक आदमी है जो 200 शेयर दे रहा है और एक आदमी है जो 100 शेयर दे रहा है और ये भी लिमिट सेलर है और इसने बोला है कि आई विल सेल एट 68। अच्छा okay. अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंसान है, अच्छा कंप्यूटर है इसके पास और अच्छा इंटरनेट है। आप हो ये, आपके पास छोटा सा इंसान हो आप, ना तो आपके पास अच्छा कंप्यूटर है ना तो आपके पास अच्छा इंटरनेट है। आपने भी देखा कि मार्केट में भाव क्या चल रहा है 63, इसने भी देखा कि मार्केट में भाव क्या चल रहा है 63। आपको भी इंटरेस्ट आया शेयर खरीदने में, इसको भी इंटरेस्ट आ गया शेयर खरीदने में, दोनों ने साथ में क्लिक दबाया कि आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय। देखो आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हो, करेक्ट? करेक्ट। होगा क्या, क्योंकि इसका इंटरनेट फास्ट था, क्योंकि इसका इंटरनेट फास्ट था, लिमिट वन सेलर इसको मिल गया, लिमिट टू सेलर भी इसको मिल गया। क्यों मिल गया? इसको 500 शेयर्स खरीदने थे, इसको जो 500 शेयर्स इसने खरीदे पता है किस पे खरीदे? 300 शेयर खरीदे 64 पर, 63 से मार्केट प्राइस कितना हो गया 64। फिर 200 शेयर इसको किस पे मिले 66 से, 64 से मार्केट प्राइस कितना हो गया 66। एंड आपने जो देखा था कि शेयर प्राइस कितना है 63 है, आपने सोचा था कि यार मुझे 100 शेयर कितने पे चाहिए 63 पे चाहिए, पर क्योंकि आपका इंटरनेट वीक है, हुआ क्या, ना तो आपको 64 का ऑफर नसीब हुआ ना आपको 66 का ऑफर नसीब हुआ। आपके खाते में ये शेयर कितने रुपए से आएंगे आपको पता है? 68 रुपीस। एग्जैक्टली, ये आपके आए 68 रुपीस से, क्योंकि सौदा कहाँ हुआ, आप मार्केट वाले हो और ये लिमिट वाला है, और आपके पहले जितने लिमिट वाले थे उनको तो कौन खा गया, यही खा गया, क्योंकि इसको 500 शेयर चाहिए थे, इसने 300 इससे ले लिए और 200 इससे ले लिए, और वो इसलिए पहले हो गया क्योंकि उसकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है। वेल, मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता था जब हमने स्टॉक ट्रेडिंग चालू करा था, पर मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग के पहले मेरा एक बहुत बड़ा पैशन था और वो पैशन था यही कि स्टॉक मार्केट करके, और हमने बहुत पैसे बनाए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पैसे गवाए भी, पर ये जो पैसे गवाए इससे हम ये सारी चीज़ें सीखे थे, क्योंकि एक बार ये हमारे साथ भी हुआ था जब शेयर प्राइस हमें दिख रहा था 63 रुपीज़, एंड वी एंटर्ड दैट वी वॉन्टेड 100 सच शेयर्स, एंड वी फाउंड आउट कि वो जो 100 शेयर थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें 63 रुपीज में मिलेगा, जो हम बेच देंगे, वो एक्चुअली हमारी परचेज वैल्यू उसकी बैठ गई 68। अब शेयर मार्केट में ये 5 रुपये, आपको लगेगा सर 5 रुपये में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, शेयर मार्केट में सब कुछ डेसिमल के दूसरे फिगर पर चल रहा होता है बेटा, यहाँ भी चेंज होता है ना, तो लोग अपने हाई तोबा होता है प्रॉफिट लॉस के रिलेशन में। समझो 5 रुपये में तो हम लुट गए थे, और हमने 100 शेयर्स नहीं थे, हम बहुत बल्क में बाई कर रहे थे। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं FNO, अगर पैसा कमाना हो तो इसके जैसी चीज नहीं, और हमने भी यही सोच के बहुत पैसे इसमें लगाए, एंड जब हमारे तारे चले तब बहुत चले, वी अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट देन वी लर्न अगेन इसमें भी फ्लॉज हैं और इसमें भी कुछ है। सो शेयर मार्केट में मैं आपको ये बताता हूँ पैसा कौन कमाता है पता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ये पूरी एक सीरीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, टिक बाय टिक डेटा, ये पूरी एक सीरीज ऑफ डेटा होती है कि यहाँ पर हमारे ये 5 सेलर बैठे हैं, ये हमारे अगले 5 बायर बैठे हैं, गुड एंड डिसेंट इंफॉर्मेशन पीपल इवन नो द नेक्स्ट शेयर प्राइस, और आपको वो नहीं पता होता है। सो दैट इज वाई, एंड दैट इज वेयर वी थॉट कि देखो हम इतने बड़े हैं ही नहीं कि हम करोड़ करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग टू बाय और सेल द शेयर्स, बट यस, given a day we have money we will definitely go back into this business, because this is the most cream business where we have a lot of interest, and future and options aap mere sath CA final mein padhenge aur tab main aapko ye topic aur bhi bahut detail mein bataunga. If you got little bit interested with the share prices, agar aapko zara bhi interest aaya hai to search kariye google pe tick by tick data, aapko pata chalega ki share market mein tick by tick data kya hota hai. Search kariye market order and limit order and you will be much more clear ki share ka price kaise nikalta hai. And honestly main aapko batata hu, students kya bahut sare professionals ko bhi ye nahi pata hai ki how is the share prices coming out. I hope humne aapke liye thoda clear kar diya hai ki how is the share prices going on. And we'll see you in the next NXTR videos. We love making these NXTR videos for you guys.